हाय गाइस वेलकम, मेरा नाम है दीपक और टाइम के साथ चीजें कैसे चेंज होती हैं। अगर आज के समय में कहा जाए कि भारत उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है तो शायद गलत नहीं होगा। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई है। भारत की रैंकिंग 38th पोजीशन पे पहुंच गई है। 2014 में यही रैंकिंग 54th थी। यानी इससे ये पता चल रहा है कि पिछले 9-10 सालों में डेफिनेटली एक बेहतरीन गेम कस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल शिपमेंट्स, पोर्ट ऑपरेशन, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस, क्वालिटी, टाइमलीनेस, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, इन सब में इंडिया ने खेला है। और ये लॉजिस्टिक इंडेक्स यही दिखाता है कि इंडिया में एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स कैसे चल रहे हैं। डिजिटल मार्केट की बात करें 2020-21 में, जहां इंडिया $3.16 बिलियन के ऑलमोस्ट स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट कर रहा था, ये नंबर 2023 में $11 बिलियन को क्रॉस कर गया है। इसको एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि वो एनिमल स्पिरिट इंडिया में वापस आ रही है जिसकी जरूरत थी। नॉट ओनली इंडिया, कई इंटरनेशनल फर्म्स इस चीज को बोल चुके हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अगर इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आते हैं तो शायद एक्सेप्टेबल है, जैसे दिल्ली, मुंबई, लेकिन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे स्टेट्स जिनकी पास्ट में इन चीजों को लेकर के रेपुटेशन इतनी अच्छी थी नहीं, ये आज के समय में अब बस इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे, इनको खोद रहे हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट्स इनको मिल रही हैं। इवन हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का भी बैलेंस शीट आज काफी क्लीन है, काफी बेहतर है, काफी स्ट्रांग है पहले के मुकाबले। और रिसेंट रिपोर्ट्स में PLI स्कीम की भी तारीफ की गई है कि कैसे ये एक नई लाइफ दे रही है इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स को। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में चाइना को भी हम टक्कर दे पाए हैं पोर्ट ऑपरेशंस और टाइमलीनेस में। इन सब चीजों में स्कोर हम दोनों का ऑलमोस्ट बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाँ, हमारा स्कोर काफी पीछे है चाइना के मुकाबले, जो ये बताता है कि इसमें बहुत काम करने की जरूरत है, जो वैसे भी सबको पता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, सब कुछ बिल्कुल सही हो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। और ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जैसे ट्रक ऑपरेटर्स कार्टल हिमाचल प्रदेश में, एक स्टेट की इकोनॉमी को कैसे खत्म कर सकते हैं, ये लोग बढ़िया एग्जांपल देंगे। पिछले 3 सालों में 43 इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन लोगों ने बंद करवा दी है। क्या ये सिर्फ ऐसे ट्रक कार्टल्स या हिमाचल तक ही सीमित है? नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा भी है, उसके बारे में मैं कुछ ऐसा ज्यादा बोलूंगा नहीं। लेकिन एक तरफ जहां इंडिया एक फेबुलस ग्रोथ दिखा रहा है हर फील्ड में, दूसरी तरफ कई ऐसी चीज है और सो कॉल्ड लोग हैं कह दो तो, जो इंडिया को उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कई ऐसे चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, जिनको जल्दी एड्रेस करने की जरूरत है, जैसे इंडिया जिस पोटेंशियल पे अभी काम कर रहा है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करे। क्योंकि पास्ट में हमने बहुत सा टाइम बर्बाद किया है, जिस टाइम को बर्बाद करना अब हम किसी भी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भारत की पीठ पे एक सवाशी भी है कि पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत अच्छा ग्रो किया है, और एक रिमाइंडर भी है कि पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करो, इंडिया बहुत आगे तक जा सकते हो। बाकी इस सब के बारे में आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी हो मन में लिखिएगा जरूर। वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलूंगा फिर से एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।